Assalamualaikum. Welcome to Anar's Recipe. आज के आरेक्टर नोटुन रेसिपी तैयारी करते जाते हैं। देखों की भावे तैयारी करी। प्रथम में घी दे दीजिए। संगे अमित टू तेलो दे दीजिए। अतः संगे एकाने अमार दारचीनी एलाच लवंग गोलमरीच और तेजपाता सबकिछ नहीं दिए दिल दिए भाजबो एक भेजे नहीं भरे आदा दिए दिल आदा एक छोटो चा चामचर एक चामच और एक दिए दिल लाल करे भेजे निब देखुन एरकम हल्का लालचे हुए एटार भितरे कोलाइर चाल दिए दितेछि एखाने आधा केजिर मतन कोलाइर चाल हबे आधा केजिर एकटु बेशी हबे माने आमरा तो 3.5 पट के 1 केजि बोली एखाने 2 पट चाल आछे एखन एटाके आमि किछुक्षण एकटु भाजबो देखुन आमी ये जे भालो करे भेजे नियेछि एखन आमी एटाते पानी दिए दिब गरम पानी करे रेखेछिलाम ओटाई दिए दिच्छि देखुन एर आगेओ आमी बोलेछि जे चालटा देखा जाच्छे तार उपरे पानी एतटुकु मेपे नीते हबे मेपे नीते हबे कखनो पट दिए मापी ना चामच दिए मेपे सब समय करी आपनि जे कोनो चामच दिए मापते पारबेन एटा सब समय एइभाबे मेपे नेबेन एई चालेर उपरेर अंशेर पानीटुकु जेन एतटुकु थाके एरकम करे मेपे एखन एटाके आमि ढेके ना ढेके देवार आगे लवणटा दिए दिई एकबार आपनार स्वाद अनुपाते आपनि लवण दिबेन पोलाए खूब बेशी लवण दीते हैं ना अतिरिक्त लवण हम आबार खावा जाए ना ओ आरेकटा जिनिस दीब सेटा हलो दूध देखो आमि गुड़ो दूध दुई चा चामच दिए दिलाम ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি কি সুন্দর ঘিয়ের কালারটা আসছে উপরে একদম হলুদ এখন আমি সামান্য একটুখানি এটা ফুটিয়ে নিব দেখুন এই যে এরকম ফুটে উঠেছে এই যে এরকম আছে এরকম অবস্থায় শীতকালে এই মটরশুটিটা খুব বেশি পাওয়া যায় আমি এটা দিয়ে আজকে রান্না করতেছি এই মটরশুটি আর কাঁচা মরিচ আমি দিয়ে দিব এরকম আর এরকম অবস্থায় আমি আর একটুখানি ঘি দিয়ে দিব এখন এটা আমি দমে রেখে দিব दमे रेखे दीब दस मिनट पर फिरत आसलाम देखुन कि सुंदर झरझरा हुए पोलाओटा
দেখুন একদম ঝরঝরা। এখন এটা আমার হয়ে গেছে। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, ফলোইং করুন। আজকের জন্য এখানেই রাখছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।